ওকে গাইস বা এটা পড়লো কি ছুপি কই কই দেখো और आज मौसम इतना बदला सा दिखाई दे रहा है ना, अभी थोड़ी देर में बर्फ भी पड़ सकती है, लेकिन आज तो ज़्यादा नहीं बता रखा। कल है 90% और कल है जो आलू थे पीछे स्कूटी में लाया मैं, उसको वहाँ रख दिया ढाक इधर दुकान पे, वहाँ से भैया मार्केट से आ रहे हैं तो भैया ले जाए मतलब गाड़ी में ले जाएंगे। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग मैच खेल के आ गए हैं, और अभी मुझे जाना है अपने मौसी के गाँव यानी कड़छी गाँव, बहुत टाइम से गया नहीं, और वहाँ चलते हैं। आजकल मीनाक्षी भी घर आ रखी ना, क्योंकि वो तो रहती है पिथौरागढ़, थोड़ा बहुत उनसे भी मिलना हो जाएगा, तो चलते हैं सीधे तैयार होके। मैं तो पहुंच चुका हूँ रोड पे, और धूप भी ना छिपने वाली पूरी तरीके से, और फटाफट निकलते हैं। बस ज़्यादा नहीं, 1 घंटा लगेगा यहाँ से कड़छी गाँव पहुँचने में। सो फाइनली दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं कड़छी गाँव, और अभी ना सीधे रात ही होगी, क्योंकि तपोवन में बहुत देर दोस्तों के साथ बैठे रहे, थोड़ा गप्पे सप्पे मारे, और अभी सीधे चलते हैं मौसी के घर, क्योंकि यहीं पास में थोड़ा 100-200 मीटर है, ज़्यादा नहीं है चलना, तो सीधे निकलते हैं। तो दोस्तों ये रहा सामने वाला मौसी और का घर, ये बाहर लाइट बंद कर रखी इन्होंने, और यहाँ अंदर होंगे सारे लोग। तो ये रहा, नमस्ते, पाए कहाँ हैं, बाकी हमें इधर अंदर। भाई ये रहे एक बंदर। और अभी चूल्हे में रख दिया चाय, अच्छा ये कलर देख लो, चाय पत्ती बाहर ना। तो दोस्तों मैं आ रहा हूँ, कितने महीने बाद, लगभग 3-4 जब से ये गई ना उसके बाद घर के बाद एक गजब बेइज्जती है, हद में लेकर सरवाने गजब महीने बाद हो, चार महीने बाद पांचवा महीना लग गया ये है त्योहार के लिए, और रात के खाने की तैयारी हो चुकी है, ये बना रहे सब्जी, सब्जी ठीक से फ्राई नहीं हो ना नाक में जलन हो रही यार, खाने ये देख लो उसके ऊपर जलन हुआ खुद, ये सारे लोग बैठे बना रहे, आज देखे ना इसकी सब्जी कैसे बनता है। अभी चलते हैं थोड़ा रोहित और के यहाँ, और रोहित ना आज कल मतलब घर आ रखा है, क्योंकि नहीं तो वो लगातार वो भी ट्रैकिंग पे रहता है। तो भाई यहाँ क्या गिरा रखे, अच्छा और यहाँ ऊपर होंगे, हेलो कोई है, एक्सक्यूज मी, और ये हमारे इंडिया हैक्स के .. नहीं बोलना चाहूँगा ना पूरा, बाकी दादी होगी ऊपर, ये हमारा शॉर्टकट रास्ता, ये रे दादी, उधार लेते हैं तुम्हारा, उधार लेते हैं दादी जी, बना रही रोटियां देख लो। फिलहाल हमारी खाने की तैयारी हो चुकी है, सारे लोग बैठ गए देख लो, पहले ना अभी हम दादी और यहाँ खा रहे खाना, उसके बाद थोड़ा नीचे खाएंगे, नहीं तो मौसी भी गाली देगी हम क्यों, ये देख लो सारे यहाँ बारी बारी से नीचे, दादी किद दोस्तों अभी रात के बज रहे 9 और यहाँ पे ना इसके मुंह पे देख लो क्या लगा दिया आपने, भैया पागल, देख लो इसको इधर, और अभी चल रहे वीडियो कॉल पे बातें, दिखाओ इधर सुट्टू करते सुट्टू, ये कौन है इसको पहचानो, एक को ये हेलो,
दोस्तों ये जो सर पे टोपी देखा ना आपको, ये बना रखा है इसने, और अभी हमको पता नहीं लग रहा है कि टोपी सुलटा है उल्टा है, आगे पहना है पीछे पहना है, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है दूल्हे का जो सेहरा नहीं होता सेम वैसे ही हुआ। देखो कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है टोपी। नहीं भाई और दूसरे साइड से पहन तो, अभी कैसे पहनती थी अभी तक? आई एम सरदार की गलिया, ऐसे में थोड़ा ठीक लग रहा, थोड़ा ना तुसी में क्या बोलू ना, ऐसे ऐसे में ठीक लग रहा है, ऐसे में ठीक लग रहा है, ज्यादा नहीं बोलते ना ऐसे में बढ़िया है ना। इससे पहले वाला ठीक लग रहा था। ब्योग और तो मीज़ संपर्क कर ठीक है भाई लोग। ओ ये बनाओ बोल दो। यानी शेरवानी बड़े दियो ना, सु बड़े दियो ना शेर। क्यों मुड़िया बनाओ? अत वो बारी है बको लोग की चुप्पी। अरे गाइस ये मैंने भी देख ली बिल। कैसे लगा मेरा मजाक? मजा नहीं कर, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। शेरवानी ये शेरवाज मेरे संपर्क है, कैमरा तो होगा ना करो फोकस जेल बड़ा है। ओ ये बड़े दिए ओके गाइस बा तब कौन लोग की छुपी तो एक दिया खो दादी। और कहीं यहाँ से जा रहे हम नीचे और ये सारे लोग यहाँ आ रखे आज। और अभी थोड़ा मैच का आनंद लो आप। ए ऐसा कैसा रहे से? हाँ 240/8 वो भाई इंडिया जीत गई, फिलहाल इंडिया जीतने वाली है। और अंदर ना इसके मेकअप के सामान देख लो यार, कहाँ है मेकअप? ये देख लो ना, ये यमुना के लिए लार का मेकअप के सामान है सारे ना, पत्ते भी रखे हैं खेलने के लिए, पत्ते भी। एक्चुअली ये है इसके ट्रैकिंग के सामान, ये देखो पत्ते भी है यहाँ पे, और ये तो टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए देखो। चलो चलो लेट्स गो पार्टी, चलो नीचे। अब अभी नहीं शर्मा रही भाई वीडियो में आने नहीं, अभी तो इसको ना मैंने दवाई के नाम पे पूछना है, वीडियो में नहीं पूछूंगा ना, नहीं तो बेइज्जती, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा कि दवाई के नाम, एक्चुअली ये है 2 सालों से एनएम का कोर्स कर लिया। फिर भी देखेंगे ना, इसको पूछेंगे आज। चले रितु जल्दी आ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत एक खूबसूरत सुबह के साथ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं मुझे देख रहा हूँ ना बिस्तरी में अभी, और बाहर ना मौसम आज बिल्कुल पैक सा हो गया है। और यहाँ पे ये देख लो हमारे सफाई कर्मचारी पहुँच चुके हैं, और ये मार रही है इधर झाड़ू बाहर देख लो। और आज बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रहा है, यहाँ देख लो बिल्कुल बादल लगे हैं, ऐसा लग रहा है ना बर्फ़ पड़ने वाली होगी। और यहाँ से जो गांव है आधा ऊपर है आधा इस साइड है, और बाकी वो सामने वाला रहा ना ये रायगढ़ी है, वो दूसरा गाँव है एक। और आज मौसम इतना बदला सा दिखाई दे रहा है ना, अभी थोड़ी देर में बर्फ़ भी पड़ सकती है, लेकिन आज तो ज़्यादा नहीं बता रखा, कल है 90% और कल बर्फ़ पड़ने ही वाली है समझ लो। और आजकल बच्चों की स्कूलों की छुट्टी है, तो सुबह सुबह उठ के ना सीधे यहाँ खेल पे भी, ये देख लो यहाँ पे ही खेल कर रहे। बच्चों का खेल तो जारी रहेगा, और हम चलते हैं सीधे किचन में, देखते हैं पानी वगैरह गर्म हुआ कि नहीं, उसके बाद हाथ मुंह धोते हैं, फिर देखते हैं यहाँ रहना है कि आज वापसी जाना है। सुबह उठते हैं ना यहाँ देख लो गेम खेल रहे भाई। नहीं राहुल मामा आ रहे परसों, उनका मैसेज आ रहा है। कौन से राहुल मामा? अरे वो चंडीगढ़ जा रखे है। तो दोस्तों बाहर ना आज बहुत ठंडा हो रहा है, इसलिए अभी हम सेक रहे हैं आग ये सारे बिल्डिंग। और अब बन रही है नाश्ता, नाश्ते की तैयारी है, यहाँ पे ला गए सुबह सुबह अंडे, मैं तो खाता नहीं अंडे, लेकिन नाश्ता वगैरह हो चुका है। और अब ना थोड़ा हाथ मुँह भी धो लेते, आज नाश्ता पहले ही कर दिया, हाथ मुँह नहीं धोया, थोड़ा वैसे ही धोया था उसके बाद नहीं धोया, अब हाथ मुँह धोते हैं उसके बाद देखते हैं या तो वापसी घर या कहीं घूमने चलेंगे। और सामने पे देख लो पहाड़ियों पे आज
ऐसा लग रहा है ना अभी बर्फ पड़ने वाली होगी। और अब यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है और निकलता है सीधे, और मौसम देख लो वहाँ देख लो आगे, यहाँ से तो ना बर्फ आनी शुरू होगी ये देख लो। और मेरे साथ उधर रोड तक ये भी आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे से ना हमने आलू भी ले जाना है, जरा आलू मैं तो ले जाऊँगा यहाँ से ढाक तक स्कूटी में, वहाँ से भैया आ रहे हैं मार्केट से और वो ले जाएंगे गाड़ी में। और मेरे घर जाते जाते ना आज बर्फ़ पड़ने वाली पक्का, यहाँ देख लो ना सामने, क्यों सीजन की पहली बर्फबारी होने वाली कन्फर्म है इस बार, तो या तो आज शाम या तो कल सुबह, तो 90% बता रहा है ना वेदर, तो कल पक्का ही है। और फाइनली पहुँच गए रोड पे, और मस्ती और कर जो नया वाला मकान बना है ये वाला है, और यहीं रखे आलू, यहाँ से इकट्ठा आलू ले जाएंगे अपने घर। ये देख लो ये गोदाम है, यहाँ आलू रखे हुए हैं, देख लो। अगर आपको भी चाहिए तो ले जाना यहाँ से टपा के। और अब इसको रखते हैं स्कूटी में, ये आगे या पीछे साइड, तो चलते हैं यहाँ से फटाफट, ये रहा स्कूटी यहाँ पे, और निकलते हैं। सो फाइनली गाइज मैं पहुँच चुका हूँ ढाक से थोड़ा आगे ना, और मैंने जो आलू थे पीछे स्कूटी में लाया मैं उसको वहाँ रख दिया ढाक इधर दुकान पे, वहाँ से भैया मार्केट से आ रहे हैं तो भैया ले मतलब गाड़ी में ले जाएंगे, तो मैं निकलता हूँ सीधे यहाँ से घर की ओर। और आगे रहा ITI स्कूल, ये रहा ITI कॉलेज आगे पे। और आज मौसम ना बस बरसने ही वाला है समझ लो, बहुत भयंकर हो गया है। और जल्दी जल्दी जाएंगे ना घर, अगर मौसम ठीक रहेगा तो मैच खेलेंगे, अगर मौसम ऐसे ही रहा तो समझ लो आज शाम कल सुबह लगातार मतलब बर्फ़ पड़ने वाली है ज़बरदस्त वाली। फाइनली दोस्तों घर पहुंच चुके हैं, और रास्ते में ना भाभी जी और मिल गए थे मेरे को, तो साथ में उनको भी लेके आ गई, ये रहे ये अपनी मम्मी को लेने आ रखे भाई, अभी हाँ अपनी मम्मी को लेने आ रखे ये देखो मोगली को। और अब ये यहाँ से ऊपर जाएंगे, मैं जाऊँगा यहाँ से इधर, क्योंकि ये क्योंकि ये ऊपर पर रहते हैं ना, हम रहते हैं इधर, और मौसम यहाँ बहुत भयंकर हो रहा है, तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है, ऊपर देख लो क्या खतरनाक हो रहा है। और ये सामने पर रहा हमारा घर, और यहाँ ऊपर क्या बोले जबरदस्त हो रहा, और मम्मी और भी पता नहीं कहाँ जा रखे होंगे, आज घर पे होंगे या कहीं और, देखते हैं। हेलो, वो देखो भाभी जी नीचे पे, यहाँ कौन है, ये रहे मम्मी और यहाँ अंदर यहाँ है, ले जरा कूदो।